किसान आंदोलन की आड़ में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और लाल किले पर निशान साहिब फहराने के मामले में अभियुक्त इकबाल सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इकबाल सिंह की गिरफ्तारी बुधवार को पंजाब के होशियारपुर से की गई है। ये वही इकबाल सिंह है जिस पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। आपको बता दें कि इससे पहले इस मामले के मुख्य अभियुक्त दीप सिद्धू को मंगलवार को पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने सिद्धू से पूछताछ की थी, जिसके बाद सिद्धू को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उसकी तस्वीरें सामने आने के बाद से ही ये कहा जा रहा था कि उसे शय मिली हुई है, और तभी वो सैकड़ों लोगों के साथ लाल किले तक पहुंच गया। गौरतलब है कि दीप सिद्धू ने 2019 के लोकसभा चुनावों में गुरदासपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अभिनेता सनी देओल के लिए प्रचार किया था। साथ ही अपनी फरारी के दौरान दीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड किए थे। दीप सिद्धू से पूछताछ के बाद ये पता चलने की उम्मीद है कि लाल किले पर निशान साहिब फहराने और ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के पीछे किसका हाथ है। आपको बता दें कि इकबाल सिंह और दीप सिद्धू के अलावा गैंगस्टर लखा सदाना भी इस मामले में अभियुक्त बना हुआ है।